राफेल फाइटर जेट्स का इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आने का चाइना और पाकिस्तान के सर से खौफ उतरा नहीं था कि भारतीय राफेल को अपग्रेड करने की बात सामने निकल कर आ रही है। इवन अभी तक तो सारे के सारे राफेल फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर भी नहीं हुए हैं। 36 में से बस 30 राफेल इंडियन एयरफोर्स को मिल गए हैं, जबकि फ्रांस के भारत में एम्बेसडर इमैनुअल लेनन ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि बाकी के जो 6 राफेल फाइटर जेट्स हैं वो भी अगले साल अप्रैल 2022 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या भारत ने जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं उनमें क्या कोई दिक्कत आ गई थी कि उनको हमें अचानक से अपग्रेड करना पड़ रहा है। साथ में क्या इंडियन एयरफोर्स अपने राफेल फाइटर जेट्स को अपग्रेड के लिए फिर से भारत से फ्रांस भेजेगी या फिर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों की तरफ से टू फ्रंट वॉर का खतरा अभी भी भारत के सर पर मंडरा रहा है। इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं उनको अगले साल जनवरी 2022 से अपग्रेड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि क्योंकि राफेल फाइटर जेट एक फ्रेंच ओरिजिन एयरक्राफ्ट है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इसमें कुछ इंडियन स्पेसिफाइड चेंजेस किए जाएं। वेपन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जैमर्स में भारत की जरूरत और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बदलाव किए जाएं, जिसके लिए फ्रांस पूरी तरह से रेडी हो गया है। इवन फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो राफेल फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसने इंडियन एयरफोर्स की डिमांड और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट विद टेल नंबर RB-008 पूरी तरह से रेडी करके रखा है। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ने जो भी चेंजेस करने की मांग की थी इस टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट में वो सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। वैसे तो ये सारे चेंजेस और अपग्रेड्स फाइनली हैं, लेकिन उस अपग्रेडेड राफेल टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट में कोई भी चेंजेस ना रह जाएं, उसको चेक करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने सीनियर ऑफिसर्स की एक टीम फ्रांस भेज दी है, जो वहां पर कुछ दिन तक इस टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। उसको इवेल्युएट करने के बाद ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा और फिर फाइनली ये डिसाइड होगा कि जो राफेल फाइटर जेट्स में पहला अपग्रेड किया जाना है उसमें कौन कौन से इंडियन स्पेसिफाइड चेंजेस होंगे। वैसे तो ये सारी चीजें काफी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स में ये सब कुछ आ गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि राफेल में कुछ नई एडवांस्ड और हाईली कैपेबल मिसाइल्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो किए जाएंगे। उसके साथ इंडियन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर लो बैंड जैमर्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा क्या चेंजेस होंगे वो तो खैर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। यहाँ पर ये सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा कि क्या इन सब अपग्रेड के लिए भारत अपने राफेल फाइटर जेट्स को फ्रांस भेजेगा या फिर नहीं। तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे जो भी चेंजेस होने वाले हैं ये सब के सब इंडिया में ही होने वाले हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक अपग्रेडेशन किट्स यानी इंडियन स्पेसिफाइड चेंजेस के लिए जो भी जरूरी पार्ट्स या सामान लगेगा उसको फ्रांस से इंडिया में लाया जाएगा और फिर इंडिया में हरियाणा का जो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर ये सारे राफेल फाइटर जेट्स वन बाय वन अपग्रेड किए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को पूरी तरह से एनालाइज और चेक करने के बाद जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर भारत में जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आप में से कई सारे लोगों की तरह एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है वो ये कि ये जो सारे इंडियन स्पेसिफाइड चेंजेस पहले ही फाइनलाइज करके फ्रांस को क्यों नहीं बता दिए गए थे, ताकि फ्रांस हमें इंडियन स्पेसिफाइड चेंजेस के साथ ही राफेल फाइटर जेट डिलीवर करता और हमें भी अब जाकर राफेल फाइटर जेट को दोबारा से अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।